अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास आप टेंडा F3 मॉडल देख रहे हैं। इस वीडियो में इसकी सेटिंग्स करना सीखेंगे, बिल्कुल ठीक तरीके से सिक्योरिटी लेवल को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी सेटिंग्स करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पे इसकी सेटिंग करने के बाद किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नो इंटरनेट कनेक्शन या फिर लिमिटेड डाटा कनेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आपको कराती हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक गौर से देखनी है। हो सके तो सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों इसके अंदर सारे ऑप्शन आते हैं कंपनी की तरफ से। सबसे पहले नंबर पे PPOE, अगर आप कंपनी से इंटरनेट लेके इसको एज अ मेन मॉडम यूज करते हैं, वो ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है PPOE के नाम से। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको वायरलेसली ब्रिज करना चाहते हैं किसी दूसरे मेन मॉडम के साथ, तो वो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, उसको WISP वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तीसरे नंबर दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन है डायनामिक IP का। आपके पास एक मेन मॉडम लगा हुआ है, आप किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे रूम में ले जाना चाहते हैं फुल सिग्नल्स, तो आप केबल लगाएंगे इसकी वैन पोर्ट में और उस जो मेन मॉडम है जिसमें से इंटरनेट उठाना है उसकी लैन पोर्ट में लगाएंगे, उसको बोलते हैं डायनामिक IP वाला ऑप्शन, वो भी इसके अंदर होता है। अब वन बाय वन सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारी सेटिंग्स भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आप दोस्तों को समझ आए, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले कभी सेटिंग्स नहीं भी की, इस राउटर का सेटअप पेज भी ओपन नहीं किया हुआ, तो भी आपको आसानी के साथ समझा सकूं और आप फुल एक्सपर्ट हो जाएं। गाइस देखें, इस कंपनी का कोई भी मॉडम है टेंडा, इसके ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा रहा हूँ, टेंडा कंपनी का कोई और मॉडम या राउटर भी आपके पास है तो भी उसकी सेटिंग्स 90% इसी तरीके से होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये वीडियो भी आपके काम आ सकती है। सो गाइज, आप वाईफाई लगाते हैं ना, आपको उसका बिल पे करना पड़ता है, आपकी जेब से पैसे जाते हैं, कैसा हो कि आपकी जेब से एक रुपया भी ना जाए और आपकी वाईफाई का बिल भी उतर जाए। गाइज मेरे पास ना ऑनलाइन अर्निंग का एक बेहतरीन तरीका, मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अगर मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने वाईफाई के बिल के अलावा पैसे इतने भी अर्न कर सको कि आप सेव भी कर लो। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाके इसकी सेटिंग्स को खोलेंगे और इसकी जो सेटिंग्स हैं उनको वन बाय वन नोट करेंगे और देखेंगे कौन सी सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किसका क्या काम है। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। यहाँ से देखें, इधर एक चिप लगी होती है छोटी सी जिसको हमें उतारना होता है, तो इसकी मदद से हम इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे इसको अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले तो इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे पावर के साथ, तो यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर से एक निकलता है छोटा सा बॉक्स, यहाँ से थोड़ी अटक गया, तो इस तरह से इसके अंदर से दो मैनुअल्स भी निकलते हैं, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखें बिल्कुल सील पैक भाई साहब, यहाँ पे देखें कमाल की पैकिंग में ये दिया जाता है हमें। एंटीनाज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और चमक रहा, लश लश कर रहा भाई, दिल खुश हो गया इसे देख के। और यहाँ पे इसका जो IP एड्रेस वगैरह है, मॉडल नंबर वगैरह लिखा होता है, थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह से आप इसको मॉडल इसका F3 ये देखें लिखा हुआ, IP एड्रेस इसका एडमिन पेज ओपन करने के लिए, ये जो IP आपको दिखा रहा हूँ ये IP आपने डालना होता है अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है। इसको सबसे पहले तो पावर लगा के ऑन करेंगे और फिर हम इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसकी सेटिंग्स करेंगे। सो दोस्तों, अब तक आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तब तक मैं इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आपके साथ लगा के राउटर की सेटिंग करना चाहते हैं ना, ये पैच केबल के जरिए अटैच करेंगे, तो आप इसकी वैन में नहीं लगाएंगे, आप देखें लैन पोर्ट में लगाएंगे, मैंने भी ये लैन पोर्ट में लगाई है, जहाँ पे वैन लिखा हुआ उसमें नहीं लगानी है आपने, ठीक है, फिर आपका राउटर एक्सेस नहीं होगा। दूसरी साइड से आप जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर से लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी वो लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, देखिए मैंने दो नंबर पोर्ट में लगाया, यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 2 है और हमारा जो इसकी 2 नंबर लाइट है यहाँ पे वो भी ऑन हो चुकी है, देखें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने राउटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें वाईफाई का जो निशान है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राउटर के साथ एक नेटवर्क जो है कनेक्ट है, वाईफाई मैंने ऑफ कर रखा है जो वायरलेस सिग्नल होते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका जो अगर नया राउटर है ना खुद ब खुद खुल के आ जाएगा, अदरवाइज आपको IP यहाँ पे वेब ब्राउज़र में डालना पड़ेगा। आप देखें अगर डायनामिक IP इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, मेन राउटर से केबल लगा के अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं ना तो इसको ऐसे ही रखें डायनामिक IP पे ही, और वाईफाई नेम अपनी मर्जी से रख के वाईफाई पासवर्ड लगा के ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा से हम ऐसे ही ओके कर देते हैं,
ये हमारा सेव हो गया। अब इसका जो हम यहाँ पे आईपी है, क्योंकि मैंने इसको केबल लगा के लैपटॉप के साथ इसलिए कनेक्ट किया है ताकि मुझे दोबारा से इसको वायरलेसली डिसकनेक्ट करके कनेक्ट ना करना पड़े, इस किस्म की मुझे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मैंने यहाँ पे आईपी अब डालता हूँ इसका, सॉरी इसका पेज जो है हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब ये कह रहा है वैन पोर्ट डिसकनेक्टेड, तो वैन पोर्ट में हमने कोई केबल लगाई नहीं है इसलिए वैन पोर्ट डिसकनेक्ट कह रहा है। तो हमें अब क्या करना है, इसके अंदर सारी सेटिंग्स देखनी है, इंटरनेट सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखें डायनामिक आईपी, अगर आप किसी मेन कंपनी से इंटरनेट लेते हैं, इसको मेन राउटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पीपीओई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, ये आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अगर आप अपना राउटर रीसेट कर लेते हैं या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी कंपनी से अपना जो आईपी सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो पूछ सकते हैं और यहाँ पे लगा के ओके करेंगे तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। बाकी सर्वर नेम सर्विस नेम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल ऑप्शनल। एमटीयू आपकी कंपनी बताती है बेहतर तरीके से, लेकिन 1480 या फिर 1500 भी हो तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, चल जाएगा इंटरनेट। अब देखें वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वायरलेस का ऑप्शन यहाँ पे होता है वायरलेस रिपीटिंग का। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख सकते हैं, उसमें फुल डिटेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकटली बता दूँ, WISP पे क्लिक करेंगे जहाँ पे जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं ना वाईफाई के, इसको पता लग रहा है जहाँ पे, तो ये आपको शो करवा देगा इस जगह पे। आपने जो भी वाईफाई इससे कनेक्ट करनी हो उसके उस पर क्लिक करें और इसको उसके साथ कनेक्ट कर दें। देखें जैसे ये नदीम एक लिखा हुआ है, इसके साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, जो इस वाईफाई का पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा जैसे ही, तो ये उसके साथ कनेक्ट होकर वायरलेस रिपीटर मोड पे ऑन हो जाएगा और मुझे इस पे इंटरनेट दे देगा। अब पेरेंटल कंट्रोल का आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जो भी डिवाइसेज इसके साथ कनेक्ट होंगी वो शो हो जाएंगी आपके राउटर के साथ। जैसे ये डेस्कटॉप शो हो रहा है तो आप इसको करेंगे मैनेज, इसको ऑन कर देंगे। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे देखें आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं एवरीडे पे करता हूँ। अब ये इंटरनेट एक्सेस आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं 24 घंटों में से 10 घंटे आपका भाई या कोई दोस्त है किसी को नेट लगा के दिया हुआ आपने कोड, तो वो सिर्फ 24 घंटों में से 10 घंटे ही चला सके दिन में, रात को आप खुद यूज़ करें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब 1 बजे, रात के 1 बजे से यहाँ से शुरू हो रहा है, रात के 1 बजे से पूरे 1 बजे से वो बंदा सुबह सिर्फ 10 बजे तक ही चला सके, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट करनी है कोई, मतलब कोई वेबसाइट वो बंदा स्पेसिफिक वेबसाइट है उस पर वो ना जा सके तो इसको आपने अलाउ करना है और यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक ला के डाल देना। लिंक वो होता है जब आपको वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कोई सर्च करूंगा, देखें यहाँ पे मैं टेस्ट लिख के सर्च करता हूँ तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आएंगी और ये जो लिंक है ना, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे देखें मैं आपको कॉपी करके दिखा भी देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब इसको जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा ना यहाँ पे, तो ये ऐड हो गया। अब कोई और लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स भी आप यहाँ पे ला के डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये वेबसाइट जो हमने अभी खोली थी, जिस बंदे को आपने यहाँ से ऑन किया होगा, ये मैनेज पे क्लिक किया होगा, ऑन किया होगा जिस डिवाइस के लिए, उस पे वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें यहाँ पे जब हम अपने राउटर का मेन पेज एक्सेस करते हैं तो ये पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 लगा रहा हूँ अब आपको दिखाने के लिए ये पासवर्ड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 लगाया, ओके कर दिया। अब देखें जब आपका वाईफाई से कनेक्टेड कोई भी बंदा इसको खोल नहीं सकेगा, इस पेज पे नहीं आ सकता, जब भी कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो उस बंदे को अगर ये पासवर्ड पता होगा तो वो तब ही इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो बंदा इसको नहीं चेक कर पाएगा, ठीक है। देखिए मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ तब अब ये दोबारा से खुल के आएगा, इस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वाईफाई से कनेक्ट भी ना हो, कहीं पे भी गए हुए हैं आप, तो अपनी वाईफाई के राउटर के इस पेज को ओपन करके देख सकें, तो वो रिमोट मैनेजमेंट होता है, वो मैंने उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो में बताएंगे तो डिटेल्स काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें रिमोट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसको एनेबल करते हैं तो आप कहीं पे भी जाके इसको एडमिन पेज को ओपन कर सकते हैं जो हमने ये साइट खोली है, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैंडविड्थ कंट्रोल पे भी ऑलरेडी एक वीडियो है, वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखें बैंडविड्थ कंट्रोल ये होता है, आपको शॉर्टकटली यहाँ पे भी बता देता हूँ, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कोई बंदा आपने कोड लगा दिया वो ज़्यादा यूज़ ना कर पाए, सिर्फ थोड़ा बहुत यूज़ करे, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाईफाई का पैकेज लिया हुआ है 10 Mbps का, तो 10 Mbps के पैकेज पे आप 8 Mbps खुद यूज़ करना चाहते हैं और उस बंदे को आप सिर्फ चाहते हैं कि वो 2 MB इस्तेमाल कर पाए, यहाँ पे आप लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लगा देंगे 128 KB या जितना भी आप चाहते हैं वो अपनी मर्जी से लगा के इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये किया जाता सारा। अब दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वायरलेस सेटिंग में अगर जाते हैं यहाँ पे देखें आप अपनी वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आपका दिल करे वो पासवर्ड आप यहाँ से रख लें और इसको ओके कर दें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें यार। हाइड वाईफाई का ऑप्शन आपको बता दूं, हाइड कर देते हैं तो आपके ये सिग्नल जो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं आपकी वाईफाई के टैब में, देखें अब मैं यहाँ पे वाईफाई ऑन करता हूँ
और जो ये सिग्नल्स आ रहे हैं ये सिग्नल आना बंद हो जाएंगे। हाइट वाईफाई किया मैंने, अब देखें यहाँ पे टेंडा शो हो रहा था ना, ये मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें टेंडा नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा टेंडा है ठीक है, लास्ट पे 730 है। तो इसको मैं जब यहाँ से हाइट वाईफाई करके ओके करता हूँ ना, तो देखें भाई ये हमारा अब टेंडा यहाँ पे शो नहीं होगा, आपकी वाईफाई हाइड हो जाएगी। और मैनुअली तरीके से फिर आप जिसको भी पासवर्ड लगा के देंगे मैनुअली उसको लगाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा आपके घर में वाईफाई है भी या नहीं। उम्मीद है आपको सारी सेटिंग्स की समझ भी आ गई होगी। मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।